ये रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कहाँ से आया ये तो समझ में आ गया बाय पोलराइजेशन। अब मैंने आपको एग्जांपल एक एटम का दिया था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फिट करेंगे तो लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, चाहे वो पोलर होंगे चाहे नॉन पोलर होंगे। फाइनल डायग्राम उनका ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा आपको, स्ट्रेच्ड पोलर दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगी, अब इसमें इंडक्शन नहीं हो सकती, याद रखना, कभी भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के अंदर इंडक्शन कभी नहीं होती। इंडक्शन के अंदर प्रोसेस क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये सारे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल के एक तरफ खींच के रख देता है, तो ये इंडक्शन है। अगर ये बाहर निकाल गया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पर आ गया, फिर ये डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर कहां का हुआ, फिर तो कंडक्टर हो गया, और कंडक्टर ये है नहीं तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर ही नहीं सकता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट ही नहीं होना। इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां, अपने एटम के बीच में रहेगा, जहां रहेगा उसे बाहर नहीं आएगा। ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर अप्लाई कर दिया, ई नॉट एक्सटर्नल, ये रहा वो तो कैपेसिटर की प्लेट्स कर ही रही हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर फिर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है, या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। यहां पर ऐसे जनरेट होता है, एक एटम के अंदर जाओ, एक एटम के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एटम के अंदर जनरेट हो जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हो, क्यों, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, खिंच गया ना, तो इसमें डायपोल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ऐसे ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, ऐसे ही हर एटम के अंदर डेवलप होगा, मानते हो, ठीक। सारे ईपी 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 मिलाओगे तो वेक्टर सम हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़ा ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन, क्लियर है। आप जब डायग्राम बनाओगे तो हर बार ये इतने लाखों करोड़ एटम थोड़ा बनाओगे, तो आप क्या करोगे, ये काट दोगे पोर्शन, सारे का सारा छुपा लोगे, और यहां आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव, यहां क्या दिखेगा, पॉजिटिव, और वो अंदर की तरफ दिखेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, और इंडक्शन में बाहर दिखेगा क्योंकि वो पोलराइजेशन है। तो डाइलेक्ट्रिक में अंदर चार्ज दिखेगा क्योंकि वो एटम के अंदर का चार्ज है, सरफेस पे नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। देखो ना, काट दिया उसने को डॉट 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 डॉट, कट करके अंदर वाला बच गया। तो इसलिए मैं बता रहा था ये जो चार्जेस हैं ये बराबर नहीं होते, क्योंकि बराबर तब होते जब इलेक्ट्रॉन खिंच जाते एटम में से, खींचे तो है नहीं, अंदर पड़े रह गए, तो ये कभी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होगा और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा छोटा होगा। तो जैसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर E है, तो मान लो E राइट की तरफ है, कितना 10, मान लो E की वैल्यू कितनी है राइट की तरफ 10, ये रहा राइट की तरफ 10, और पोलराइजेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 8, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा 10 - 8, यानी कि 2 इन राइट डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सपोज करो, ये मैं बता चुका हूं कि अगर इसका सिग्मा सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा है, तो इस प्लेट का माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी हो जाएगा, कमजोर होगा ना चार्ज, तो पोलराइजेशन से सिग्मा भी कमजोर होगा, चार्ज बाय एरिया होता है सिग्मा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अप्लाई किया ई नॉट, जिसकी वैल्यू है 10, तो ई नॉट का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP कितना डेवलप हो गया अंदर, EP मान लो डेवलप हो गया कितना 8 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक रेशियो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 - 8, यानी कि सपोज कितना 2। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, 10 नहीं रही, 8 भी नहीं रही, 2 ही रह गई। इसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट 10, ई नॉट 10, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि 2 आया था, तो अगर आपके पास ये वैल्यू मैंने बताई 10 है और ये 8 है, तो ई नेट क्या आएगा, 2 आएगा।
तो अगर आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट वैल्यू से डिवाइड करें तो इसकी जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर आप ये देखो कि पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए मैं हमेशा बोलता था कि आपको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन पूछने वाला देता ही है, K5 है, K10 है, हमने ऐसे किया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 5, 10 निकलती कैसे है, वो हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर का फील्ड कैलकुलेट करते हैं, रेशियो निकालते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें प्लीज, फॉर्मूला बुकलेट में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और हमने दो डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पहले भी यूज की हुई है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, एप्साइलन मीडियम, एप्साइलन नॉट, या फिर ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट। तो ये तीन डेफिनेशन हो गई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की, कहीं भी काम आएंगे, फॉर्मूले के अंदर नोट करो, बुकलेट के अंदर।